की गजब है। अब ताजा मामला देख लीजिए, जहां पर भर्ती परीक्षा में फेल होने के बाद जो अभ्यर्थी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और याचिका डाल दी और याचिका में डिमांड की कि यूट्यूब से उनको हर्जाना दिलवाया जाए। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मामला है मध्य प्रदेश के एक युवा का जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, फेल हो गए। उसके बाद जो महाशय है वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका दायर की। याचिका में लिखा कि यूट्यूब से वो पढ़ाई किया करते थे और जब वो पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब के वीडियो देखते थे तब यूट्यूब उनको अश्लील एडवर्टीजमेंट दिखाया करता था जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाया करता था और इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए और अंततः वो फेल हो गए। इसके बाद इन महाशय ने YouTube से 75 लाख रुपए के हर्जाने की डिमांड अपनी इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की। याचिका पढ़ने के बाद जो जज है उनका क्या रिएक्शन आया ये जान लेना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस युवक और इनकी याचिका पर उनको जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, इनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। हालांकि महाशय ने बाद में कहा कि वो 1 लाख रुपए का जुर्माना तो नहीं भर सकते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए इनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये महाशय है कौन, तो बता दें इनका नाम है आनंद किशोर चौधरी और ये मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे लेकिन एग्जाम में फेल होने के बाद ये अजब गजब याचिका लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओ की पीठ ने इस याचिका पर नाराजगी जाहिर की और ये भी कहा कि ये अब तक की सबसे घटिया याचिका है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि आपको विज्ञापन नहीं देखना तो आप ना देखें। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि दिलचस्प याचिका है लेकिन इसको बेहद बेतुका बताया। फिलहाल कोर्ट ने आनंद की याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, वो भी कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। फिलहाल आनंद की ये कहानी और ये याचिका दोनों ही चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।